बच्चों, क्या आप जानते हो होटल्स में, चाहे वो इंटरनेशनल होटल हो या सिंपल छोटे से होटल हो, व्हाइट बेडशीट क्यों बिछाई जाती है? तो बच्चों, ये टॉपिक अच्छा है ना, हमें भी पता तो होना चाहिए आखिर ये व्हाइट बिछाते क्यों हैं। एक और बात, व्हाइट कपड़ों को, व्हाइट टॉवल हो या बेडशीट हो, उसको मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम देता है, लेकिन फिर भी व्हाइट बिछाई जाती है, इसका क्या कारण है ये भी देख लेते हैं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जब भी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएं। बच्चों, व्हाइट चादर बिछाने का मुख्य कारण है घर में और होटल्स में कुछ अंतर दिखाई दे। घर में जब हम चादर बिछाते हैं, कोई प्रिंटेड होती है, कोई रूम के अकॉर्डिंग होती है। उसका मेन कारण है कि हमें थोड़ा सा लग्जरी फील हो, घर से थोड़ा अलग फीलिंग आए। ये व्हाइट कलर जो होता है शांति का प्रतीक होता है। एक और बात, थोड़ा सा रिलैक्स फील भी होता है। जैसे कभी भी हम घूमने जाते हैं, वहाँ पर होटल में रहते हैं, तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं। यही एक कारण है कि हर जगह वाइट चादर, वाइट बेडशीट, वाइट कंबल ही यूज़ होते हैं। अब कारण ये होता है कि इतने सारे वाइट कपड़ों को साफ करना कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि घर में तो हम कलरफुल चादर बिछाते हैं तो उसे धोना भी आसान होता है, लेकिन व्हाइट चादरों को तो धोना मुश्किल होगा। तो इसका मेन कारण क्या है? अगर कलरफुल बेडशीट लेंगे, कलरफुल चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो होगा क्या कि उन्हें साफ करने के बाद उनका कलर निकल सकता है और वो फिनिशिंग जो पहले आती थी नए में, वो नहीं आएगी। लेकिन वाइट कपड़े को आपने देखा होगा, उसे ब्लीच कर सकते हैं, ब्लीच करके उसे और वाइट कर सकते हैं। धोबी जो लोग कपड़े धोते हैं कास्टिक सोडा से भट्टी में, वो वाइट कपड़ों को चमका देते हैं। इसीलिए वाइट कपड़ों को होटल्स में साफ करना बहुत आसान हो जाता है। टॉवल हो, बेडशीट हो, नाइट गाउन हो, स्लीपर हो, हर चीज़ वाइट होती है। वाइट देखने के बाद सुंदर भी लगती है और हमें भी बहुत ही रिलैक्स फील होता है। यही एक कारण होता है कि सारे होटल्स में वाइट चीज़ों का ही यूज़ होता है। अगर कोई हल्दी का दाग लग जाए या कोई अलग सा दाग लग जाए, वो ब्लीच करने के बाद सारे साफ भी हो जाते हैं। रंगीन कपड़ों को आप ब्लीच भी नहीं कर सकते हो, ये भी एक मुख्य कारण है। तो बच्चों, देखा ना, ये जानकारी मुझे पता चली, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। अगर इस चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल नहीं करना।